लाख दो लाख रुपया क्या करेगा जन वितरण प्रणाली वाला। अभी जाकर देखिए मेरे यहाँ चार गो जन वितरण प्रणाली वाला दुकान लेने के लिए तैयार है। राजेश दास है, उससे 1.5 लाख रुपया मांगा गया तो उसका बहू का झुलनी झुलिया सब बिक गया। एगो मदन सहनी का भतीजा है, उससे उत बेचारा 2.5 लाख रुपया दिया है। बड़ा बाबू जो अभी है SDO कोर्ट में, जिनको वहाँ बरौनी घर है, वो कहते हैं कि खरमास में नहीं होतो और जा तक 3 लाख टका नहीं देबो ता तक काजे नहीं होतो। हे देखिए ये कार्ड अब बुढ़वा वाला पेंशन लेकर जो हम आए हैं, ये मुखिया जी के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आइए आपका उम्र हो गया है, मैं जलूंगा और दिलाऊंगा। अब मुखिया जी कहाँ जाकर दिलाएंगे? मेरा कहना है ऊपर वाले पदाधिकारी से, मुखियो जी की तो कुछ दीजिए उनको पावर जो वो अपने ढंग से दिल। हमको मुखिया जी आज बुलाए हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे और मैं हूं पंकज भट्ट। जन वितरण प्रणाली को लेकर के आज हम आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं एक हैबतपुर पंचायत। वैसे तो पूरा बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश जन वितरण प्रणाली के डीलरों के द्वारा बहुत मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किए जाते हैं, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। आज मैं उसी तरफ जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां पे हैबतपुर पंचायत में डीलरों की बहाली को लेकर के MO पर जो लगाया गया आरोप है उसे जरा गौर से देखें और समझें और उस पर एक निश्चित रूप से कोई कार्रवाई करने के लिए कुछ न कुछ चिन्हित अवश्य करना चाहिए। क्योंकि हैबतपुर पंचायत में जो जन वितरण प्रणाली की बात जो सामने लेकर के आई है वो सर जमीन खिसकने के जैसा नजर आता है। ऐसा लगता है खुल्लम खुल्ला पैसे का लेन देन, बहाली को लेकर के लेन देन की बात सामने आ रही है, कम देना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको राशन नहीं देना जबकि उनका राशन कार्ड है, सब कुछ है, और ऐसे लोगों को राशन पानी नहीं मुहैया कराना, ये दबंगई नहीं तो और क्या है। जन वितरण प्रणाली के जितने भी पदाधिकारी हैं उसे संबंधित पदाधिकारी का ध्यान मैं हैबतपुर पंचायत की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा, जहां पे लाखों लाख रुपए का गबन का मामला भी आया है। और ये बात हम नहीं, ये बात हैबतपुर की जनता बोल रही है। तो आप देखिए ये वीडियो। प्रणाली का जितना भी कानूनन प्रक्रिया है हैबतपुर पंचायत में, सबको कोठी के कन्हा पर रह के बिना कानून के देखे हुए यहाँ टोटल जन वितरण प्रणाली के दुकान चलता है। हमको जहाँ तक जानकारी है, मैं भी 12 साल तक जन वितरण प्रणाली का को चलाया हूँ। हम दुकानदार, हमारा राजकुमार साहनी। अच्छा, नाम घर हैबतपुर में है। कितने नंबर वार्ड से हैं? 5 नंबर वार्ड से हैं। तो अभी फिलहाल आप जन वितरण प्रणाली नहीं चला? नहीं, हम उसमें डिजाइन देके। आप तो उसमें थे, तो आपको लगता है ना कि अभी के जन वितरण प्रणाली में और जिस समय आप चलाया करते वो थे जीरो पर आउट है, ये स्थिति है। हाँ, कुछ नहीं है न, मुखिया जी को भी जानकारी नहीं दिया जाता है, जबकि इसका नियम आज से नहीं बरसों पहले से है कि जीतल मुखिया, जीता हुआ सरपंच, हारा हुआ सरपंच और अभी का सरपंच साइन करेगा और वो स्वस्थ होके कि सबको मिल चुका है और उस रजिस्टर पर साइन करेगा तभी अगला कोटा मिलेगा। लेकिन MO को यहाँ लाख दो लाख रुपया क्या करेगा जन वितरण प्रणाली वाला। अभी जाकर देखिए मेरे यहाँ चार गो जन वितरण प्रणाली वाला दुकान लेने के लिए तैयार है। राजेश दास है, उससे 1.5 लाख रुपया मांगा गया तो उसका बहू का झुलनी झुलिया सब बिक गया। एगो मदन सहनी का भतीजा है, उससे उत बेचारा 2.5 लाख रुपया दिया है। बड़ा बाबू जो अभी है SDO कोर्ट में, जिनको वहाँ बरौनी घर है, वो कहते हैं कि खरमास में नहीं होतो और जा तक 3 लाख टका नहीं देबो ता तक काजे नहीं होतो। तो मेरा कहना है कि 3 लाख रुपया देकर जो चरण पर वितरण का दुकान लेगा वो मुखिया सरपंच से क्या पूछेगा? जिसको 5 लाख रुपया पहले से खेत बेच के लगाई देगा तो जमीन किनबे न करेगा। अभी मुखिया को कोठी के कन्हा पर रह के मुखिया के कोई प्रतिष्ठा देने के लिए जन वितरण प्रणाली के दुकानदार तैयार नहीं है, जबकि नियम है कि मुखिया के बिना साइन के उसको कोटे नहीं उठेगा, सरपंच के बिना साइन के। लेकिन क्या SDO साहब करते हैं, कलेक्टर साहब भी रुपया लेते हैं कि इसका मंत्री आप लोग सदर से हैं, आप लोग का सदर प्रखंड है।
बेगूसराय प्रखंड आ मुखिया सरपंच को कुछ भी नहीं पूछा जाता है, जहाँ तक आपने यहाँ पर खाली कहूँ पहले। और यहाँ जो है 17 बारी जाएगा डीलर के यहाँ तो किसी का फिंगर नहीं मिलता है, तो किसी को अगर कमी देना तो इनको पूर्वज का अधिकार है कि कमी कम भी देते हैं, कम कम भी नहीं देते हैं, कम ही देते हैं। और साल में 4-5 कोटा खा जाना ये तो आम बात है मेरे लिए, यहाँ यहाँ मेरे गांव के लिए। और बोलने वाला तो कोई है नहीं, मुखिया जी अब डर से नहीं बोले, जैसे नहीं बोले, इनको पूछवे नहीं करता है। और इनको तो ये है कि जब डीलर हैं यहाँ बिना मुखिया के लिखे हुए नहीं होता है कानूनन, लेकिन कानून के लिए तो SDO साहब का फर्ज बनता है, BDO साहब का फर्ज बनता है कि मुखिया जी से भी पूछा जाए। लेकिन वो लोग मुखिया अथी BDO साहब SDO साहब पैसा जब खाइए मो साहब खाइए लेते हैं तो मुखिया से क्या पूछेगा, जबकि हमारा सबसे पहला कोर्ट मुखिया होते हैं, हमारा जनप्रतिनिधि मुखिया हैं, मुखिया के साइन से ही होना चाहिए। आज के डेट में मेरा सुझाव है कि यदि वही मुखिया पर छोड़ दिया जाए तो हर लोग को गल्ला मिलेगा, हर लोगों को टाइम पड़ सकता, क्योंकि मुखिया तो कस उस पर लगे रहेंगे। लेकिन यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, और जो पूछने वाला है वो पैसा खाने वाला है। मुखिया सरपंच को कोई मानिए नहीं है मेरे पंचायत में। मेरे यहाँ अंजनी बाबू श्री श्री 108 श्री अंजनी बाबू हैं। क्या है अंजनी बाबू? डीलर हैं। डीलर हैं। अच्छा। एगो हैं उन्हें प्रभात कलर का, क्या नाम है उनका? विकास कुमार हैं। एगो तो थे वो जगन्नाथ, वो तो मर गए, उनका लड़के इनकी हैबतपुर पंचायत में जो पहले जिसको वृद्धावंशन पेंशन मिल चुका था, अभी नहीं, जिसको जो 60 से ऊपर भी हो गए हैं वो उनको मिल नहीं रहा है। और लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हैं। जैसे आज भी हम वृद्धा, हमारा मेरा नाम राजकुमार सानी है, मेरा उम्र 63 वर्ष हुआ है। देखिए ये कार्ड, अब बूढ़ा वाला पेंशन लेकर जो हम आए हैं, ये मुखिया जी के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि आइए आपका उम्र हो गया है, मैं जलूंगा और दिलाऊंगा। अब मुखिया जी कहाँ जाकर दिलाएंगे? मेरा कहना है ऊपर वाले पदाधिकारी से, मुखियो जी की तो कुछ दीजिए उनको पावर, जो वो अपने ढंग से दिल, हमको मुखिया जी आज बुलाए हैं कि आप वास्तव में 63 बरस जब आपका हो गया हम लड़ के आपको दिलाएंगे। अब कहाँ कहाँ मुखिया जी लड़ेंगे वो तो आप लोग जानिए। आ इनको न कलेक्टर साहब पावर देते हैं, न SDO साहब, या जो पावर वाला लोग हैं कम से कम मुखिया को भी पावर दे। देखिए हम इस सब लेकर मुखिया जी हमको 20 दिन से बेचारे बुलाते हैं, हम घूर घूर के चले जाते हैं, क्या करें। ये देखिए इनका ये आधार कार्ड है और ये इसमें नाम राजकुमार सहनी लिखा हुआ है और डेट ऑफ बर्थ जो है 1/1/1955 आप देख सकते हैं 1955 है और ये 2020 है। उम्र आप जोड़ लीजिए क्या ये वृद्धावस्था पेंशन के हकदार हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कि जो गालों पे झुर्रियां पड़ी हुई हमारी बूढ़ी माताएं बहनें यहाँ से जो प्रखंड जाती हैं, एक सेकंड आप हमारी बात पहले सुन लीजिए, जो महिलाएं यहाँ से ब्लॉक जाती हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए, लाइन में खड़ा कर देता है, दिन भर लाइन में खड़ा रहने के बावजूद जब वो काउंटर पर पहुंचती है तो डांट करके भगा दिया जाता है, ऐसे पदाधिकारियों के लिए आपके पास कोई शब्द है? हमरा अब हमको अपने गोली लग गया है। हम तो ऐसा कट यही इसी BDO साहब के सामने हम पटक मारे थे, राजकुमार सानी मेरा नाम है, हम केस में भी गए थे, हम तो उस कर्मचारी को खींच के मारे थे ब्लॉक में, लेकिन अब हमको अपने गोली लगा हुआ। इतना गलत व्यवहार मेरे गांव के बुजुर्ग महिला के साथ, मर्द के साथ करता है, जो बूढ़ा पड़ गया उसको बहुत देर खड़ा रहने के बाद जब पैर दुखने लगता है और कुछ बोलता है वो, सर हमको दे दीजिए, भागो यहां से भागो करके और निकाल दिया जाता है। नीतीश कुमार जी आप देख लीजिए, ये आपका बिहार है और आपकी बिहार की आवाम क्या बोल रही है आप कान खोल करके देख लीजिए। हवाई मार्ग से सर्वेक्षण करने से कुछ नहीं होगा आपको। जी बोलिए जी। और हमारे यहाँ जितना भी सवाल है, सबसे पहला कोर्ट, सबसे पहला प्रतिनिधि मुखिया और सरपंच होते हैं। मेरे पंचायत में मुखिया का कोई वैल्यू देने के लिए कोई भी पदाधिकारी, हम लोग देते हैं, हम देते हैं, तभी 63 बरस का बूढ़ा हम मुखिया जी के आए हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी गण हैं, चाहे BDO हो, चाहे SDO हो, चाहे कलेक्टर हो, हमारे मुखिया को कोई पावर नहीं दिए हुए, तब नहीं होता है। मुखिया बेचारा अपना गाड़ी करके 2-4 को 10 को बुढ़िया को ले जाते हैं ब्लॉक में, और शाम में रोते हुए बुढ़िया चली आती है, मुखिया जी कुछ खिला देते हैं, ये तो नहीं हुआ, लेकिन ब्लॉक से घूर के चले आते हैं, उनको वृद्धा पेंशन के नाम पर कुछ नहीं, और 6 महीना से लोग दौड़ रहा है। अच्छा अच्छा जी। ये
इस तरीके का माहौल सदर प्रखंड का है? सदर प्रखंड हैबतपुर पंचायत एक नंबर पंचायत सदर प्रखंड का है, उसमें है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इससे निजात पाने के लिए कोई पदाधिकारी कोई काम भी नहीं कर रहे? कोई पदाधिकारी कुछ काम नहीं करते हैं, जिलाधिकारी भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे? नहीं, कोई ध्यान नहीं, किन्हीं का कोई ध्यान नहीं। हमने आवेदन दिया था समाहर्ता महोदय को भी, कोई ध्यान नहीं दिया गया। एसडीओ साहब को आवेदन किया, कोई ध्यान नहीं। इस पंचायत में लगता है एकदम मतलब मसोमाती है, मतलब कोई नामे का नहीं रहा इस पंचायत में। अच्छा। किसी को कोई बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुखिया जी बेचारे यदा कदा सब जनता को लेकर कभी कभी बेगूसराय ले जाते हैं, अपना खर्चा रहे, अपना खर्चा कितना दिन देंगे अगला, और जाते हैं वहाँ से पदाधिकारी जो है घुरा देते हैं, फटकार के भगा देता है वहाँ का कलर के लोग। जनता की अदालत यहाँ लगी हुई है, माता के दरबार में, माता के प्रांगण में, ये जनता का अदालत है और इसमें जनता यहाँ पे जनता भी मौजूद है, जनता जनार्दन भी मौजूद है और हमारे साथ हैबतपुर पंचायत के मुखिया देवकांत सिंह जी भी मौजूद हैं। हम देवकांत सिंह जी से भी अनुरोध करेंगे कि वो आकर के बताएं कि आखिर इस समस्या का हल क्या है। सबसे ज्यादा परेशानी होती है वृद्धा पेंशन को लेकर के, सभी पंचायतों में ये बहुत बड़ा परेशानी का कारण बन चुका है, खास करके जो लोग को मिल रहा था बैंकों में उनके नाम में मिलान को लेकर के जो परेशानियां आई हैं, जिसके वजह से जो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको मिल रहा था और कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास आर्थिक रूप में बहुत ही बेहतर योगदान था वृद्धा पेंशन का, जो बंद हो गया है, कोई देखने वाला नहीं है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं और वो ब्लॉक का दौरा कर रहे हैं और ब्लॉक में कर्मचारी उन्हें डपट भी लिया करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकारी कर्मियों में तो मनमानी हो ही गया है ये लेकर के, और एक नज़र से देखें तो सरकारी कर्मी में मनमानी क्या होगा। यहाँ तो हो गया जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है किसी को, अगर जो जगह देवी कहीं है आधार कार्ड से, कहीं अगर भूल चूक से जया देवी लिखा गया तो उसके लिए हैप्पी रिपीट करा करके देने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है, वो तो दौड़ते दौड़ते ब्लॉक या मुखिया जी तबाहे हैं। दूसरा नंबर की मैं चले कि जो APL और BPL सबों को फ्री हुआ वृद्धा पेंशन को, विधवा पेंशन को, तो वो तो पेंशन वाला फॉर्म तो लोग भर दी लेकिन अपना अपना सब घर में एक रसीद लेकर के बैठे हुए हैं, किसी को पैसा खाता पर सोई नहीं कर रहा है, खाता पर सोई नहीं कर रहा है। इसके लिए आपके तरफ से क्या कदम बढ़ाए गए? हम लोग को तरफ से कदम यही बढ़ाया गया, तो मैं सचिव को और प्रखंड विकास पदाधिकारी को यहाँ तक जो है सो पहुँच करके देख रहे हैं, और मेरे पंचायत में जो है सो RTPS का जो उद्घाटन हुआ उस RTPS में सिर्फ एक फोटो कॉपी होने का व्यवस्था है, ना वहाँ आय प्रमाण पत्र मन रहा है, अवश्य मिल रहा है, ये सब कोई चीज़ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि ये पंचायत में पहले मुखिया के अंतर्गत जन वितरण प्रणाली भी था, आंगनबाड़ी केंद्र भी थे, तो इन सारे चीज़ों को मुखिया के अंडर से जो बाहर किया गया है तो यहाँ पे मनमानी बढ़ी है, इस बात से आप सहमत हैं क्या? सर कैसे सहमत होंगे, हम लोग पंचायत की प्रधान होते हैं और जनता जो है सो चुन कर को एक को बनाते हैं विश्वास करके, और उस विश्वास के साथ हम लोग को चलने का जो है सो वादा किया रहता है, लेकिन उस वादा के अनुसार हम लोग को तो नहीं मिलता है। ले करके कि एक आंगनबाड़ी को बहाली था उसमें भी खोजता था मुखिया जी थोड़ा खोजिए, वो भी चला गया, आशा बहू को बहाली था वो भी चला गया, प्रणाली का जो वितरण होता था उसमें भी डीलर जो है सो महीने महीने या कम से कम 2 महीना 6 महीना माकर को साइन करवाता था रजिस्टर, वो भी नहीं हो रहा है। राशन कार्ड से लोग का नाम वंचित है, पहले जैसे किसी के शादी ब्याह में मुखिया जी लिख के दे देते थे तो कुछ मदद हो जाया करता था जन वितरण प्रणाली से, जैसे चीनी को लेकर के या गेहूं वगैरह को लेकर के, अब क्या इस तरीके की बात हो पाती है? नहीं, वो सब सिस्टम खत्म है, अब कुछ नहीं, जिसको मिल रहा है उसके विषय में कहने के बाद तो दे नहीं तो सकता है, आज जिसको ख़त्म हो गया गरीब गुरबा है, अगर कह दिए कुछ देने के लिए या मुखिया जी कुछ अपना साइन कर को दे देते थे तो हो जाता था काम, अब तो वो भी नहीं है। आपके पंचायत 14 वार्ड है, ये 14 वार्ड में नल जल की योजना कहीं आई क्या? नल जल की योजना आई है PHD विभाग से, PHD से ही होगा, लेकिन हाँ, कितने नंबर में है अभी? लगभग चल रहा है 8 वार्ड में जो है सो बोर्डिंग धस रहा है, 8 वार्ड में काम चल रहा है। हाँ, तो उसमें काम कहाँ तक पहुँचा? सिर्फ बोर्डिंग का जो है सो काम हुआ है, बोर्डिंग धस रहा है, कुछ ही में हो गया है बोर्डिंग धसायल, कौन खून ही रहा है। नल जल का कितना राशि आया इस पंचायत में?
वो हम लोग को कोई चिट्ठी नहीं है। अच्छा, आप लोग को कोई जानकारी भी नहीं? जानकारी भी नहीं है। 14 वार्ड है जिसमें केको वार्ड काम कराने का हम लोग को अनुमति भी नहीं है। सारे के सारे जो है सो पीएचडी विभाग से है, उस चीज़ को इतना एस्टिमेट का हम लोग को मालूम है। और ये भी मालूम नहीं है जो कौन कौन वार्ड में जो है सो पास हुआ, लेकिन ये हम घूमने के बाद देखे हैं जो 7-8 वार्ड में जो है खदा उधा खुना रहा था, उसी में बोर्डिंग भी कर रहा था, ये सब देखे हैं, ये सब हुआ है।